माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, युवा कैसे स्किल हो, युवा कैसे आगे बढ़े, युवा एंटरप्रेन्योर कैसे हो, इसके लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, हमको उचित दिशा भी दिखाते हैं और डिपार्टमेंट की लगातार समीक्षा करके विभाग को आगे बढ़ने का काम करते हैं। बातें बहुत सारी हैं जो युवा यहाँ बैठे हैं और हजारों युवा बाहर हमारी बात सुन रहे हैं, लगभग 40,000 युवा यहाँ बनाए हुए हैं, पंजीकरण किए, आपको आगे आपको स्किल ढूंढना है। जितने सेक्टर्स हमारे हैं, अभी हमने 150 आईटीआई पूरे प्रदेश के अंदर, उनको टाटा के साथ जोड़ने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आईटी है, ई व्हीकल्स है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके साथ टाटा के साथ जोड़ने के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व, ताकि हमारे बच्चे अधिक से अधिक प्रशिक्षित हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, उसके साथ हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल में, इन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी आप जाते हैं। अभी अयोध्या की नगरी हमारे सामने इतनी शानदार विकसित हो रही है, कितने होटल वहां पर बन रहे हैं, कितने रेस्टोरेंट वहां पर बन रहे हैं, सड़कों का कितना विकास हो रहा है, बिजली के लिए कितने लोग चाहिए, इन सब में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आपके अयोध्या के अंदर, गोरखपुर के अंदर, कुशीनगर के अंदर, जेवर के अंदर और देश भर के अंदर इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहां पर स्किल लोगों की आवश्यकता है, बेटियों की आवश्यकता है। आपको कोई ना कोई सेक्टर चूज करना है, 136 सेक्टर हमारे हैं, उन सेक्टरों में अलग अलग प्रकार की हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं, आप बच्चों को बताइए, उनको मोटिवेट करिए, किसी भी रूप में हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी रूप में निराशा की आवश्यकता ही नहीं है। आज का वातावरण इतना शानदार, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रदेश की तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आपको कंधे से कंधा मिला करके उनकी साथ आगे बढ़े। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें किसी प्रकार की निराशा हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, चले व्यक्ति चले व्यक्ति, लगातार चलते रहना, कोई निराशा नहीं, किसी प्रकार का अपने मन में ये संकल्प लेकर के कि हमको आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर युवा, हर हमारी बेटी स्किल्ड हो, एक हुनर उसके हाथ में हो। अभी हमने इंटरमीडिएट कॉलेजों को भी और डिग्री कॉलेजों को भी, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी, जो हमारी NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल करने का काम शुरू किया, ताकि बच्चे इंजीनियर बने बहुत अच्छा है, कुछ और अच्छी पढ़ाई करें बहुत अच्छा है, कंपटीशन में क्वालिफाई करें बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके हाथ में एक हुनर होगा, आपके हाथ में हुनर होगा, आप कहीं भी जाकर के कहीं भी खड़े हो सकते हैं, इस काम का एक्सपर्ट, और जिसके हाथ में हुनर होगा वो खाली हो ही नहीं सकता। जिन युवाओं को यहाँ पर आज रोजगार नौकरी मिलने वाली है, उन कंपनी का मैं स्वागत करता हूँ, जो कंपनी यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से बड़ा प्रेशर, बड़ा मोटिवेशन उनका हमारे बच्चों के लिए है। मैं बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिनको यहाँ पर रोजगार के प्रमाण पत्र मिलेंगे, किसी कारण से नहीं मिला अगली बार प्रयास करें, और जिनको मिलता है उनको केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहना, उनको प्रशिक्षण लेकर के एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको नौकरी के साथ साथ आपको नौकरी देने वाला बनना है। प्रधानमंत्री चाहते हैं स्टार्टअप के माध्यम से हम लगातार ऐसे लोगों की टीम तैयार करें जो केवल नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन सके, और ये तभी संभव है जब आप डिवोटेड बन सके, समर्पण भाव से। जहां आपको नौकरी मिलती है आप ये मत सोचिए नौकरी हमारी छोटी हो सकती है, सुबह वेतन आपका कम हो सकता है, लेकिन आप छोड़कर नहीं मांगना, संघर्ष करिए, तो सीखिए डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ कंपनी के प्रति समर्पित रहिए, वहां पर काम सीखिए, जब वहां से निकलेंगे तो 5,000, 10,000, 25,000 और अधिक वेतन मिलेगा आपको, नौकरी मिल सकती है, आगे काम कर सकता है। हमारे डिपार्टमेंट में लगातार इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार के लगातार प्रशिक्षण जो हमारे कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ये लगातार हो रहे हैं, अब ऑडियो के माध्यम से एक जनपद एक उत्पाद, तो उन जनपद में उसी उत्पाद को भी वहीं के बच्चे प्रशिक्षित हों और वहीं के रोजगार करें या नौकरी करें, ऐसे भी संकल्प के साथ ये प्रदेश को हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ, हमारे सारे अधिकारी, हमारी टीम में सब लोग और सारी कंपनियां जो आज गोरखपुर में पहुंची हैं, वे सब बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार, अधिक से अधिक सेवा के अवसर, और उनसे मैं चाहता हूँ मेरी बात सुन रहे हों कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर, समझा कर, उनको अपने परिवार का सदस्य मान, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता की उम्मीदें होती हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी करने के लिए गई है, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, माता पिता का भी सपना होता है, तो कंपनियों की जिम्मेदारी है एक गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में
को आप प्रशिक्षित करके अपने परिवार का सदस्य मान करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बच्चे हमारी अमानत हैं, इस प्रदेश की, हिंदुस्तान की पूंजी हैं, और यही बच्चे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।